फ्रेंड्स, ये ट्रेन वाला स्टेटस वीडियो अभी खास करके जो है रील्स पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कुछ इसी तरह का अपने फोटो से बना करके अपने इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड करते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपका वायरल होने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग किस तरह से किस प्रकार के इस तरह का वीडियो बस 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं, इसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जो देख लेना होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कुछ इसी तरह का बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चल यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स वो भाई लगे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चले यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से फ्रेंड्स, आप सभी को अपने मोबाइल में से कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये कैपकट एप्लीकेशन आप लोगों को आसानी से जैसे गूगल पे जो है मिल जाएगा, नहीं तो फ्रेंड्स मैंने नीचे भी अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेने के बाद आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली से नए प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। नए प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप सबको एक वीडियो को, ट्रेन वाले वीडियो को एड कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं इस ट्रेन वाले वीडियो को यहाँ से एड कर लिया हूँ। एड कर देने के बाद आप लोग इस एड पर क्लिक करके कर देना है। एड कर देने के बाद आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली से यहाँ लास्ट में आप लोगों को आ जाना। ठीक है, लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कैपकट का लोगो, तो आप लोगों को इस पर क्लिक करके यहाँ से फ्रेंड्स इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आप सबको करना क्या होगा, सिंपली से इस प्लस वाले पे क्लिक कर देना होगा। प्लस वाले पे क्लिक कर देने के बाद आप लोग को फोटो वाले सेक्शन में चले जाना होगा और आप लोग जो इमेज को फ्रेंड्स आप लोग बनाना चाहते हो उस फाइल में आप लोग चले जाएगा। चले जाने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को वहाँ से आप लोग कुछ 12 से 13 इमेज को एड कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं 12 से 13 इमेज को एड कर ले रहा हूँ। आप लोग भी फ्रेंड्स जो इमेज को बनाना चाहते हैं वहाँ से फ्रेंड्स आप लोग 12 से 13 इमेज को ऐड कर लीजिएगा। ऐड कर देने के बाद यहां से फ्रेंड्स आप लोग ऐड पे क्लिक करके फ्रेंड्स आप लोगों को ओके कर देना है। ठीक है, ऐड कर देने के बाद आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली से यहाँ पर साइड में थोड़ा सा स्लाइड करते जाइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन, ओके, इस फॉर्मेट वाले पे क्लिक करके यहाँ से 9:16 का रेशियो आप लोगों को ऐड कर लेना है। ऐड कर देने के बाद आप लोग इस फोटो पे क्लिक कर देना और इस तरह से जूम कर लेना है। ठीक है, आप लोग को इसी तरह से सभी फोटो को जो है ना एडजस्ट करके थोड़ा सा जूम कर लेना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से चलिए मैं जो है ऐड कर ले रहा हूँ। आप लोग को इसी तरह से सभी इमेज को जो है फुल स्क्रीन में इस तरह से आप लोगों को कर देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं मैं जो है कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी तक आप सोने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाक से जो है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ इसी तरह का बना करके अपने रील्स पर अपलोड करोगे तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छा खासा जो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं सभी फोटो को जो फुल स्क्रीन में कर दिया। फुल स्क्रीन में कर देने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से स्टार्टिंग में आप लोग को आ जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को इसमें साउंड को ऐड करना था। साउंड ऐड करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली सा इस ऑडियो वाले पे क्लिक कर देना होगा। साउंड पे क्लिक कर देना होगा। साउंड पे क्लिक कर देने के बाद एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को साउंड को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इस साउंड का लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को जो है यहाँ से आप लोगों को इसे ऐड करके आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली से इंपोर्ट साउंड ओनली पे जो है क्लिक कर देना होगा। इंपोर्ट साउंड ओनली पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जो साउंड इंपोर्ट हो चुका है, हो जाने के बाद आप लोग इस प्लस पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, प्लस पे क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को फोटो को साइज को जो है बढ़ाना है। ठीक है, घटाना है तो आप लोगों को इसके लिए करना क्या होगा, सिंपली से फोटो पे क्लिक कर देना होगा और इस तरह से जूम थोड़ा सा छोटा करके 0.5 पे ला देना है। ठीक है, आप लोगों को इसी तरह से सभी इमेज जितने भी फोटो का आप लोगों ने अभी ऐड किया है सभी इमेज फ्रेंड्स आप लोग 0.5 जो है ऐड कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां से मैं चले देख सकते 0.5 से जो ऐड कर रहा हूं, आप लोग भी सभी इमेज को जो है 0.5 से जो है ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली सा जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग देखिए वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को सब भी पूरे जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है ध्यान देके वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। अगर फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को छोड़ के जाते तो फ्रेंड्स आपसे नहीं बनेगा और आप लोग कमेंट करके हमें पूछते रहेंगे भाई हमसे नहीं बनाया। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और लास्ट तक जो है बिना स्किप किए देखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से सभी इमेज को मैं घटा के आप लोग कुछ इधर 0.5 सेकंड पे जो है ना कर ले रहा हो। आप लोग भी सभी इमेज को घटा के 0.5 सेकंड पे कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स अब जो मैं यहाँ से स्किप के काम को कर दे रहा हूँ और आगे जा करके आप लोगों को कौन सा इफेक्ट इसमें लगाना है तो फ्रेंड्स मैं आप लोग यहाँ से इस काम को स्किप करके सभी फोटो को 0.5 सेकंड पे एड करके आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में जो है एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं हमारा कुछ होने ही वाला है। 0.5 सेकंड तक सभी इमेजों को मैं एड कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पर 0.5 सेकंड तक एड सभी को कर लिया और बाकी फोटो जो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट कर देने के बाद अब सभी को करना क्या होगा, देख सकते हैं ये भी फोटो बड़ा हो चुका है ज़्यादा, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देने के बाद अब आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली से इसमें जो है आप लोगों को एक
एनिमेशन जो है ना ऐड करना है, ठीक है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली सा फोटो पे जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। फोटो पे क्लिक कर देने के बाद इस एनिमेशन पे क्लिक कर देना होगा। एनिमेशन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स कॉम्बो में चले जाना होगा, ठीक है। अगर आप सभी को ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग को करना क्या होगा, सिंपली सा अपने मोबाइल में जो है यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स टर्बो VPN एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आप लोग को इसको इनेबल कर देना होगा। इनेबल करते फ्रेंड्स आप लोगों को जो है ना यहाँ से जो है आप लोगों को कम जन है स्टार्ट करना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं जैसे पहले से जो VPN जो है ऑन करके रखे तो फ्रेंड्स आप लोगों को चलिए यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से आ जाने के बाद आप लोगों को इस पेंडुलम वन को ऐड करना होगा, ठीक है। पेंडुलम वन कर ऐड कर देने के बाद आप लोगों को फिर से आप लोग फोटो पर जाकर पेंडुलम वन ऐड करना, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोगों को इसी तरह से सभी इमेजों पर जो है आप लोग फर्स्ट पेंडुलम वन, उसके बाद जो है पेंडुलम टू वाले को जो है आप लोगों को करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से फर्स्ट पेंडुलम वन, उसके बाद जो है पेंडुलम टू वाले को जो है यहाँ से ऐड कर लेता रहो। आप लोग भी इसी तरह से सभी इमेजों पे फर्स्ट पेंडुलम वन, उसके बाद जो है उसके बाद आप लोगों को पेंडुलम टू वाले को ऐड करना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से देख सकते हैं जो पेंडुलम वन और पेंडुलम टू को जो है सभी इमेजों पे ऐड कर लिया हो। ऐड कर देने के बाद आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली सा इसमें आप लोग और भी इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली सा इतने तक ट्रेन के वाले वीडियो का लास्ट में इतने तक जो है आप लोगों को आ जाना होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी आप लोग यहाँ से पर जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर जो है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इफेक्ट वाले ऑप्शन, ओके इस इफेक्ट वाले पे क्लिक कर देंगे, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा आप लोग स्लाइड करते जाएगा तो आप लोग देख सकते फ्रेम वाले ऑप्शन, ठीक है। इस फ्रेम वाले पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर नीचे जाइएगा तो थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग LED वाले, ठीक है। यहाँ पर देख सकते LED, इसको आप लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। LED वाले ऐड करके जो है आप लोग को कुछ इसी तरह से वीडियो के एंड तक आप लोगों को कर देना होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप लोग इसी तरह से कर लीजिएगा। कर लेने के बाद फ्रेंड्स ये वीडियो बन के रेडी हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ दिखने में कैसा लग रहा है। देख सकते हो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग भी लग रहा है, कमाल का भी लग रहा है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो बनाकर आप लोग इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक्सपोर्ट यानी कि सेव करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली सर इस एरो वाले पे क्लिक करके यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग जो है जो भी रिलेशन यहाँ पे रिलेशन पहले आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर देने के बाद इस एरो पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को एक्सपोर्टिंग जो है यानी कि सेव कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से हमारे वीडियो एक्सपोर्टिंग यानी कि सेव हो चुका है। तो हो जाने के बाद आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली इस वीडियो को आप लोग कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का रील्स पे वायरल वीडियो में एडिटिंग लेकर के आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहां से हमारा जैसे वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ।